ये जी मैंने रात को धो के रखी थी, ये आलू भी साथ मूलियाँ भी, क्योंकि पता है ना नए जो आजकल आलू आ रहे हैं वो मिट्टी वाले होते हैं, और मूलियाँ भी डेरे से मैं आई थी तो मैंने धो के रखी थी, और सुबह सुबह का टाइम है वो कवर गिर गया, ये पहले उठा के रख लूँ मैं। तो आटा गूंदने वाला था तो मैंने कहा अभी सोने नहीं थी हुई तो मैं उठ गई थी, क्योंकि आटा गूंदने वाला था तो मैंने कहा चले आटा गूंद ले। उसके बाद ये आलू और ये मूलियाँ भी मैंने रख दी थी बास्केट में, अब ये मैं आटा गूंद लूँ। आटा मैं 2-3 ना टाइम का, यानी कि 2 ज़्यादा सारा गूंद के रख लेती हूँ, ताकि मेरे 2-3 टाइम इजीली रोटियाँ बन जाए, क्योंकि बार बार गूंदा नहीं जाता मेरे से, पता नहीं क्यों। इकट्ठा फ्रिज में एक दफ़ा 2-3 टाइम का गूंद के रख लेती हूँ ना, तो फिर इजीली जब खाना रोटियाँ बनानी हो तो फिर इजीली निकाल के तो बना बना लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आटा शाटा मैं गुन लिया, सजे गुन के फिर अजान हो गई सी, तो मैं क्या बच्चों ने मैं उठा लवा ना सुबह उठ के, तो नमाज वगैरह सादरें पढ़नी होंगी है, सात सपारा वगैरह पढ़ना होंगे है, तो उन्होंने उठा के उठाण डी हाँ, तो मैं तंग करता ही पाया, ये जड़ा मेरे साथ ही उठ गया से, तो सफा जनत उठ गई हैं सदे, तो साथ मुहम्मद साहब जड़ा वो तो नींद ही नहीं पूरी होंगी, और ये बार बार मैनू तंग करता ही पाया, मामा मैं उठ गया हूँ, मामा मैं उठ गया हूँ। तो उस तो बाद जी मैं किचन चाई सदे, क्योंकि मेरे बच्चों की एक न्यू फरमाइश रात दी उन्होंने मैंने सुना ली सी कि मामा जी हमने सुबह ना पकौड़े स्कूल में लेके जाने हैं लंच में। मैं क्या जी जो तुहाडा हुक्म होना हुक्म किया जे त्यार मनना तो पैना ही है ना, तो समान मैं थोड़ा सारा रेडी करके रख लिया सी, हाफ तकरीबन पालक वगैरह मैं काट ली सी, प्याज भी जड़े सन वह भी छील के रखे सन, आलू वगैरह भी छील के मैं रख ले सन, तो मटीरियल तो तुहानू सामने नजर आ ही रहा किन्निया मैं चीजा लिया ने। आटा मैं गूंद के ते साइड ते बाउल च डाल के उत्थे साइड ते रख छड़िया, ही आवाज तुहानू पिछों आ रही होनी है मेरे शेर दी ते अवॉइड करियो जे। उदों बाद जी इन्हां चीज़ां नू मैं कट लिया सी, वो कटन वास्ते रखिया ही ते सफा आ के, ते उहनू पता ही मामा वी लाग बनाउण डए ने, ते फेस हले वाश कीता नहीं, उहने आख्या जी चैनल नू सबसक्राइब करो, ते गलती नाल मेरे कोलों उहदी वॉइस जिहड़ी उह पिछों कट कीती सी, डिलीट हो गई सी। वो मैं प्याज कट ले साढ़े, वो 2 जड़े ने 1.5 तकरीबन प्याज जड़ा ही वो मैंने सी कटिया, मैनू काफ़ी लगे हैं, तो आलू जड़े ने मैनू साध ने उठ के आ गए ही, तो उन्हें फिर मैनू चाप करके दिते सन। बच्चों नू आदत डालिया करो काम करन दी, छोटे छोटे बच्चों नू हैल्प पता होना चाहिए, साड़ी मामा ने या बाबा ने उन्होंने असा हैल्प करनी है, छोटे बच्चे नू काम की आदत डाली हुई ना, फिर बड़िया हो के एक बच्चे नू आदत होंगी है, कोई बुरी आदत नहीं है कि तुसी अपने बच्चों नू बच्चों को काम करवाओ, बिल्कुल भी नहीं। तो मिर्चा भी तुसा वेखिया ने हरिया मिर्चा साजे, वह मैं चाप करके रखिया सन, चो ए चापर चॉप कर लिया सन, तो उस तो बाद जी बर्तना अच्छे तरीके नीट तो क्लीन करा करो, अजक महंगाई भी बड़ी है, तो नाले अल्लाह तला गुनाह देंगे ने चीज़ा जाया होंगे, तो उदो बाद जी एक टेबल स्पून अनारदाना साजे, एक टेबल स्पून साजे सूखा धनिया नाल, 2 टेबल स्पून मैं डालिया साजे ये नमक, 1 टेबल स्पून ये डालिया साजे गरम मसाला, साथ बेसन साजे। अनारदाना अगर तुसा कुटना हो तो तुसी कुट लो, अगर तुसा नहीं कुटना तो ना कुटो, सब डाल, मेरे को टाइम नहीं सी, तो मैं फिर एवें साबत ही डाल लिया ही, क्योंकि सुबह तुहानू पता बच्चा स्कूल जाना होंदा तो जल्दी होंदी है, तो जिहड़ा मिर्चा वाला है सी उन्हों थोड़ियां बहुत मिर्चा लगियां हुई सन, मैं विच थोड़ा सारा पानी डाल के उन्हों हंगाल के डाल ही जिहड़ियां मिर्चा ने भी नज़र आया हुण। उदों बाद जी इहनू मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया सी जिन्नी जरूरत है सी बेसन दी, लेकिन जिहड़ा बेसन मैं छानिया सी उह खतरा जिहड़ा है उह नाकाफी सी, मिक्स करके मैं अच्छे तरीके नाल वेख्या सी पर उह बेसन जिहड़ा ही उह कम सी, इस वास्ते मैं थोड़ा सारा और बेसन छान लिया साजे, छान के ते अच्छे तरीके नाल उन विच मैं बेसन फिर जड़ा है सी मैं डालिया सी, ताकि इनू किदा ना, अगर तुसी हैंड नाल लुत्फानंदोज होना चाहते हो मिक्स करना तो तुसी हैंड नाल कर लवो, नहीं तो स्पून नाल भी अच्छे तरीके नाल मिक्स हो जाते हैं, बड़ा एक स्पैचुला ला के अच्छे तरीके दे नाल इन्हां मिक्स कर लेना, ताकि नमक वगैरह भी बेसन अच्छे तरीके नाल मिक्स हो जाए, साथ मिर्चा वगैरह हर चीज़ जी अच्छे तरीके दे नाल मिक्स हो जाए।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਥ ਹੀ ਆਲੂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਕੌੜੇ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਧੁਨੀ ਦੇਣੀ। ਅਮੂਮਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਜੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਟੂ ਹਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਕੌੜਾ ਇੱਕ ਡਾਲੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਲ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਡੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਕੌੜੇ ਫਰਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਥ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਫਰਾਈ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਫਟ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਲਕ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਬਤਾਈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁਣ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।